बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है, इसलिए उस महान प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि वह भला है, क्योंकि वह महान है और राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु है। इस सुंदर दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद दें। आज का दिन प्रभु ने हमें दिखाया, इसलिए उसको धन्यवाद दें। और सच में परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करें और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज का जो अच्छा टॉपिक प्रभु ने हमें दिया है वो है असमान जुओं में न जीतूं, मतलब अविश्वासियों के साथ असमान जुओं में न जीतूं। हालेलुया, बहुत अच्छा वचन है। और आजकल क्या है कि सबसे ज्यादा मसीह जीवन पर ये असर पड़ रहा है, सबसे ज्यादा। चाहे वो जितना मर्जी मसीह पुराना है, चाहे वो टीम का है, चाहे कुछ भी एक्सवेजर जैसा भी है वो, लेकिन सबसे ज्यादा असर उसके ऊपर हो रहा है। किस बात का? अविश्वासी के जीवों का। मसीह होने के बावजूद भी वो बुरी संगति में चल रहे हैं। हालेलुया। अगर हम वचन पढ़ें, वचन कहता है अविश्वासियों के साथ असमान जुओं में न जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल। ध्यान से समझे इन बातों को, बहुत अच्छी बातें हैं। लिखा कि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। कभी ऐसा हो सकता है कि ज्योति और अंधकार साथ साथ रहें? नहीं रह सकते। जहां अंधकार है वो अंधकार ही रहेगा, और ज्योति आते सर अंधकार ज्योति बन जाएगी। सोच के देखो, अब अंधेरे के अंदर आप कोई रोशनी जगा रहे हो तो उसको अंधेरा नहीं बोल सकते। वो क्या कहलाएगा? वो एक ज्योति कहलाएगा। वचन कहता है कि क्यों धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियान के साथ क्या लगाओ, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नेता, मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। क्योंकि हम तो जीते परमेश्वर का मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है तुम मंदिर हो मेरे। हालेलुया। और मंदिर में आपको पता है कितनी साफ सफाई होती है, कितनी साफ सफाई होती है। कोई जूते लेके नहीं जा सकता, कोई कीचड़ नहीं जा सकता, 24 घंटे सफाई। लेकिन आपके अंदर तो 24 घंटे कीचड़ भरा हुआ है, आपके दिमाग में कीचड़ है। कैसे? मैं वचन के द्वारा बता रहा हूं आपको। वचन कहता है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। कि बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो मसीह का बपतिस्मा सोचते हैं कि बपतिस्मा ले लिया बस इतना बहुत है, फिर वो उनके मन में गंदगी रहती है, उनकी सोच में गंदगी रहती है, जिस कारण वो व्यभिचार में पड़ जाते हैं, जिस कारण वो नशे में पड़ जाते हैं, जिस कारण वो रिलेशन में चले जाते हैं लड़कियों के साथ, क्योंकि दिमाग में क्या भरा है, जैसे मैंने बोला कीचड़ भरा है। कुछ लड़कियां भी ऐसी हैं जो ये कार्य करती हैं। लेकिन प्रभु से का भय होना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे जीवनों के अंदर। तभी वचन कहता है कि अविश्वासी और विश्वासी का क्या मेल, अविश्वासी और विश्वासी का क्या मेल। हालेलुया। वचन कहता है कि तुम मेरे मंदिर हो और मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। कौन कह रहा है? प्रभु का वचन, जीवते परमेश्वर कह रहे हैं। अब देखिए, प्रभु ने कहा कि तुम मेरे मंदिर हो, ठीक है। अब आपने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, आपने एक कोने में व्यभिचार रख लिया, बाकी आपने नशा छोड़ दिया, बुरी संगति छोड़ दी, बाहर घूमना सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन आपने एक कोने में व्यभिचार रख लिया और स्त्री का मत समझो वो रख लिया,
अब आप सोचते हो मैंने सब कुछ तो छोड़ दिया है, बस एक ही चीज तो है, कोई बात नहीं, इससे बाहर निकल जाऊंगा। अब प्रभु आपके अंदर आते हैं। वचन कह रहा है, मैं हमेशा वचन से बात करता हूँ, वचन कह रहा है मैं उनमें चला फिरा करूंगा। किसमें? वचन कहता है क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। अब देखिए, अगर परमेश्वर आपके अंदर चल रहे हैं, वाओ इधर प्रार्थना है, वाओ इधर उपवास रखे इसने अपने अंदर, वाओ इधर इसका इतना विश्वास का लेवल बढ़ चुका है, वाओ इसके अंदर प्रभु ने इतनी इच्छा कितनी इसके अंदर है प्रभु के लिए, वाह बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक कोने में उसको वह विचार मिलता है, प्रभु कहते हैं ये क्या, हालेलुया सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये वह विचार यहाँ पे क्या कर रहा है? वो हल्का सा बीज, छोटा पौधे की जब जड़ें मजबूत हो जाती हैं वो बड़ा होकर पेड़ बन जाता है। वो हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। वचन कहता है मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। कितने गर्व से प्रभु कह रहे हैं, कितने घमंड से कह रहे हैं कि हाँ वो मेरे लोग होंगे और मैं उनका पिता होऊंगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेचारे सब कुछ छोड़ देते हैं, वे विचार भी छोड़ देते हैं, वो अपने मन के अंदर झूठ और गाली रख लेते हैं कि सब कुछ तो छोड़ दिया है, दारू छोड़ दी है, परिस्त्रीगमन छोड़ दिया है, वे विचार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया मैंने, ठगी छोड़ दी मैंने, लेकिन अपने अंदर गालियां रखते हैं वो। अब वो प्रभु फिर देखने आते हैं, चलो भी मेरा बेटा प्रहलाद क्या कर रहा है, मेरा बेटा जिसने अपने पीछे मसीह लगा रखा वो क्या कर रहा है। प्रभु जब आपके अंदर घूमते हैं, वचन कहता है वो चलता फिरते हैं, जब देखते हैं तो प्रभु क्या देखते हैं, अरे इसने तो यहाँ पर गालियां रखी हुई है, अभी तो बाहर गालियां बककर आए हैं और इसी होटो से मेरा धन्यवाद कर रहा है और इसी होटो से हालेलुया हालेलुया कर रहा है और अभी तो गाली बक कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे मैंने देखा गाली बकते हुए जो प्रभु में है, गाली बक रहा हूँ। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है, साफ साफ कहता है अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। हालेलुया हालेलुया। और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है जो जीवित वचन है। क्या कह रहा है प्रभु, मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु का वचन है, तुम उसके बेटे और बेटियां होंगे। प्रभु कह रहे हैं और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे, आप आशीष को पाएंगे, आप चमत्कार को पाएंगे, आप ब्लेसिंग को पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि अनुग्रह करने वाला वो परमेश्वर है, इसलिए अपने मनों को साफ करें आपकी, क्योंकि ना आप, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ आप कैसे पकड़े जाते हो। जब परमेश्वर ने कहा था कि इस फल को मत खाना, शैतान आया, शैतान ने क्या किया, उसको बहलाया और फुसलाया, खा ले कुछ नहीं होता, खा ले, वो उसकी बातों में आया। हम क्या करते हैं, अविश्वासियों के साथ जब रहते हैं तब उनकी बातों में आ जाते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, ये करें खा ले, ये करें नशा कर ले, एक बार दारू पी ले, एक बार व्यभिचार कर ले, एक बार ये गंदे काम कर ले, एक बार नशा कर ले। तो हम कहते हैं चलो एक बार से क्या होता है, लेकिन जब घर गंदा हो जाता है तो कितनी मेहनत लगती है साफ करने में। अब आपके रूम है, मैं आपके रूम के अंदर आऊं और कीचड़ लेके दीवारों पर कीचड़ घेर दूं, छत पे घेर दूं और बेड पे घेर दूं और आपके नीचे खिंडा दूं सारा अपने आपके फर्श के ऊपर, तो करना क्या, धोना ही तो है, धुल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेहनत, वो जो मेहनत है वो धुलाई की, कितने घंटे लगे उसको साफ करने में, ऐसे सालों साल लग जाते हैं। जब हम ऐसे को कीचड़ अपने अंदर लाते हैं उसको साफ करने में बहुत समय लग जाता है, वही वफादार बनने में परमेश्वर का बहुत समय लग जाता है। मसीह तो हर कोई है, वो हालेलुया बोलिए मसीह आज नहीं, विश्वास योग्य होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्त आपके बहुत होंगे,
दोस्त आपके बहुत होंगे, मित्र आपके बहुत हैं, लेकिन विश्वास योग्य दो चार ही होंगे। आप हर बात हर किसी से नहीं खोलते, आप दो या तीन लोगों से अपनी बात को शेयर करते, क्योंकि आपको इन पर भरोसा है कि ये कहीं नहीं जाएंगे, ये तो मेरे ही लोग हैं। प्रभु के लोगों, आज प्रभु का वचन कहता है, अविश्वासियों के साथ ऐसा जुए में न जुटो। हालेलुया। अपना लेवल ऊंचा करें प्रभु के अंदर, मसीह के अंदर अपने आप को ऊंचा करें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप चमत्कार को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए अपने आंखों को बंद करें, आइए प्रार्थना करते हैं। दयाकरने वाले परमेश्वर, अनुग्रहकारी, सर्वशक्तिमान, राजाओं का राजा, प्रभु के प्रभु, अगर आज तक इन्होंने ऐसे पाप किए हैं, ऐसी गलती की है, तो इन्हें क्षमा करें, इनके जीवन में अद्भुत कार्य हो नहीं पाए। मेरे पिता, आज सब कुछ करने वाले परमेश्वर है मेरे पिता, परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपके जीवन में चमत्कार देखना चाहता हूँ। मेरे पिता, जो भी इस प्रार्थना सुन रहा है, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके जीवन में चमत्कार को देखूँ। लेकिन चमत्कार कैसे आएगा प्रभु, चमत्कार कैसे करेंगे? जब आप अपने मन को साफ रखोगे। प्रभु का वचन कहता है कि तुम मेरे मंदिर हो, जैसा परमेश्वर ने कहा है वो पूरा होगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं, इसलिए प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं। आज प्रभु से कहें कि हाँ प्रभु, मैंने अपने अंदर ऐसी बातें रखी हुई थी, आज प्रभु मुझे धो दो, आज प्रभु मुझे शुद्ध कर दो, मैं आपके साथ बना रहूं, मैं आपके भय में बना रहूं, मैं आपके आशीषों में बना रहूं। मेरे पिता, हाँ मैंने ये गलती काम किए हैं, हाँ मैंने ऐसे पाप किए हैं, हाँ मैंने ऐसे पाप किए हैं, आज प्रभु मुझे क्षमा करें। मेरे पिता, मेरा जीवन मजबूत कार्य करें। और जब आप अपने घुटने टेक कर प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर निश्चय आपके जीवनों को बदल देंगे और आप आशीषित होंगे और आप ब्लेस्ड होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसलिए प्रभु आपको ब्लेस करें और आप आशीष को पाएं। इस वचनों को शेयर करें, प्रभु आपका जीवन मजबूत कार्य करें। आमीन।